वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम डलगोना केक बनाएंगे जो अभी काफ़ी धूम मचा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है कॉफ़ी पाउडर लिया है, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है। अब इसमें हम 2.5 बड़े चम्मच जो है शक्कर डालेंगे। जिस चम्मच से आप नाप लें उसी चम्मच से ही हमें इसका नाप लेना है। तो मैं 2.5 बड़े चम्मच इसमें शक्कर ऐड करूँगी। अब इसमें हमें 3 बड़े चम्मच जो है गरम पानी ऐड करना है, 3 टेबल स्पून। तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और एक बार जो है हम इसको हिला लेंगे। इसको हमें इस तरह चलाना है लगातार जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। यदि आपके पास ये विस्कर नहीं है तो आप फोक से भी कर सकते हैं, फोक नहीं है तो आप चम्मच से भी इसको हिला सकते हैं, लेकिन उसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस तरह हम इसको लगातार चलाते जाएंगे तो इसका देखिए कलर भी चेंज हो रहा है। इसको करने में हमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। आप चाहे तो बीच में रुक रुक के भी कर सकते हैं। जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक हमें इसको चलाते रहना है। आप देख सकते हैं बैटर जो है हमारा कितना गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। इसको करते हमें 2 से 3 मिनट हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो जिस रेशो से मैंने आपको बताया था उसी रेशो से यदि आप करेंगे तो आपका जो बैटर है बहुत ही अच्छा व्हिप होएगा। अभी हमें इसको और फेंटना है इसी तरह। ये देखिए इस तरह का हमें इसको व्हिप करना है, बिल्कुल गाढ़ा, ये बिल्कुल भी जो है गिरना नहीं चाहिए। इस तरह हमें इसको व्हिप करना है। हाथ से करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। कॉफी हमारी व्हिप्ड हो गई है तो अब हमें डालना है मैदा। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1 कप मैदा और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप लिया हमने पीसी हुई शक्कर, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से हमें छान के ही डालना है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पर लिया है बेकिंग सोडा, ये भी हम इसमें डालेंगे। जो कॉफी अभी हमने व्हिप्ड की ना वो भी हमें इसमें डालना है, तो 2 बड़े चम्मच हम वो भी इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून हमें ऐड करना है इसमें घी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें और फुल क्रीम दूध के साथ इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध को भी हम ऐड कर लेते हैं और सभी को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। बिल्कुल इसमें लम्स और गुठली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह हमें इसको एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। इस तरह का हमें इसका बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको अब हम बेक करेंगे। बेक करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है। इसको अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेते हैं घी से, चारों तरफ से हम इसको ग्रीस करेंगे। बैटर को इसमें फील कर देते हैं। इसको अब हम बेक करेंगे। आज मैं आपको ओवन से बेक करना नहीं बताऊंगी, तवे के ऊपर रखकर ही हम इसको बेक करते हैं। अब हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। गैस पे मैंने तवा रख दिया है तो जो बैटर हमने फील किया था वो हम तवे पे रख देंगे। तवे को पहले हमें 5 से 7 मिनट तक गर्म करना है। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं, बैटर को इस पे हम रख देते हैं और ढक देते हैं इसको, और कम फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए हमें इसको बेक करना है। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम केक को चेक कर लेते हैं। वाह कितना अच्छा केक हमारा बना, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली आई है। नाइफ की मदद से हम चेक कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको अब हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए मैं पास से बताती हूँ कितनी अच्छी जाली आई है हमारे केक पे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम केक को निकालेंगे। केक बनकर तैयार हो गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरफ नाइफ की मदद से हमें चारों तरफ से छुड़ाना है ताकि आसानी से निकल जाए। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पंज बना है इसमें।
मेल्ट की हुई डेरी मिल्क है, इसी में हम कॉफी भी डाल देते हैं जो हमने व्हिप्ड की थी, और दोनों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। इसे हम केक के ऊपर लगा लेते हैं चारों तरफ से, पूरा अच्छी तरह से हमें इसको कवर करना है। अब इसके ऊपर हम लगा लेते हैं चोको चिप्स। ये मेरे होममेड चोको चिप्स है, आप देख सकते हैं। केक को अब हम कट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक हमारा बना है, ये देखिए। तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह घर पे ही हम डलगोना केक बना सकते हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें।